हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज अपर्णा हियर वंस अगेन। सो आज एक नया सा बाइटिंग रेसिपी है जो रेडीमेड रेसिपी है, इजीली अवेलेबल है मार्केट पे। और अगर आप बिग बास्केट वगैरह से सब सामान मंगवाते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। सो आज जो मैं बना रही हूँ, ये एक जो है क्रैब स्टिक्स बना रही हूँ। जैसे फ्रेंड्स देखिए, क्रैब स्टिक्स है गैडरे क्लैप क्लॉस का, ठीक है। ये क्रैब स्टिक्स मैं बना रही हूँ। अभी अभी इसमें करना इतना है कि अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। आप फ्रेंड्स अपने हिसाब से, जैसे आप जो है रिफाइंड तेल भी आप यूज कर सकते हैं, पर अभी बेसिकली फ्रॉम द बिलोंगिंग टू एन ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, सो हम लोग में ज्यादातर जो सरसों का तेल ज्यादा यूज होता है, तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। और नॉनवेज बिना सरसों का तेल का मजा बिल्कुल नहीं आएगा। सो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा आता है क्रैब स्टिक्स जो है, जो क्रैब का जो क्लॉज होता है उससे ये बनता है, क्योंकि काफी जो मीट है इसका बहुत डेलिकेट रहता है और बहुत टेस्टी सा रहता है। तो तेल को हमने गरम कर दिया है, अब धीरे से इसको हम इसमें छोड़ेंगे। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा धीमी आंच में इसको फ्राई करना है, और ये शैलो फ्राई होता है, इसको डीप फ्राई नहीं करनी है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, सेफ्टी हमेशा जरूरी है। तो अभी मैं इसको एक एक करके इस हिसाब से फ्राई करूंगी, और ये जब तक रेड नहीं हो जाता है इस हिसाब से इसको फ्राई करना। ऑलरेडी फ्रेंड जैसे ऑलरेडी आपको मैंने जानकारी दी है कि ये रेडीमेड अवेलेबल होता है, खाली करना इसको होता है कि फ्राई करना होता है। फ्रेंड जैसे पहले भी आपको मैंने बहुत पहले आपको गैडरे क्लैप क्लॉस का बारे में दिखाया था, अगर आप मेरे वीडियो अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो आपके उसमें जो है गैडरे क्लैप क्लॉस का जो है वीडियो आपको शो करेगा। मैंने इस हिसाब से रखा है आपकी क्या फैमिली में कितने जो जैसे मेंबर्स हैं उसी हिसाब से आप इसमें जो है फ्राई कर सकते हैं उतना क्रैब स्टिक्स लेके। फ्रेंड्स हाँ, किस किस को ऐसा होता है कि क्रैब की एलर्जी होती है, तो फ्रेंड्स प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप क्रैब से एलर्जिक हैं तो ऑब्वियसली प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। तो ये जो प्लास्टिक को देखिए, जैसे फ्रेंड्स जैसे प्लास्टिक में हिसाब से ये रोल होता है, ये तो प्लास्टिक हटा के जो है जैसे देख फ्रेंड्स, इसी हिसाब से इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये धीमे फ्राई होगा और सभी में ये प्रोसेस जो हम जो फ्राई करेंगे प्रोसेस यही सेम रिपीट होगा, ठीक है। जब तक ये पूरी तरह से रेड नहीं होता तब तक फ्राई करना है। अब इस हिसाब से इसको ऑयल को ऐसे स्प्रेड कर दिया है ताकि इवनली ये स्प्रेड हो और आसानी से फ्राई होने में ये आसान, यानी इसको ज़्यादा हैसल ना हो। अगर आप नॉन वेज लवर है, आपको क्रैब्स का जिसको बहुत शौकीन है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, को बहुत टेस्टी लगता है। और गैडरे का जो है काफी सारे आते हैं, जैसे है लॉबस्टर का भी आता है, जैसे मिक्स वगैरह भी आते हैं, जैसे क्रैब क्लॉज है, फिश के रिलेटेड जैसे काफी सारे आते हैं, फास्ट जो रेडी टू ईट वाला जैसे आप बोलते हैं। और जो बिजी ऑफिस गोअर्स हैं तो उनके लिए तो काफी इजी सा अल्टरनेट हो जाएगा। अभी आप इसको जो धीमी आंच में फ्राई होने दीजिएगा, देखो अभी ये फ्राई हो रहा है, आपको धीरे से इसको फ्रेंड ये थोड़ा सा देखिएगा जैसे स्किन इसका जैसे ऊपर का निकल जाता है, जैसे देखो ये घबराना नहीं है, जैसे रेड हो जाता है क्रंची हो जाती है तब तक इसको आपको अच्छे से फ्राई करना है। और इस हिसाब से डबल साइड आपको इस हिसाब से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, फ्रेंड जैसे कोई कोई जो होता है प्रोडक्ट्स में जैसे डेयरी ट्रेसेस वगैरह का डर रहता है, तो इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल भी ऐसा कुछ है नहीं। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो आसानी से इसको मजे लूट सकते हैं, बशर्ते कि उनको क्रैब्स की एलर्जी ना हो। अगर जैसे किस किस को सी फूड की एलर्जी, फिश की एलर्जी, प्रॉन्स की एलर्जी होता है, तो किस किस को क्रैब्स की एलर्जी होती है, तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें से अगर किसी का भी एलर्जी हो तो प्लीज स्टे अवे फॉर योर सेफ्टी।
अभी ऐसा उसको फ्राई होने दीजिए और धीमी आंच में उसको बनने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभी फ्राई हो रहा है, जब तक ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होता इस हिसाब से पकाना है। और इसको लेके कभी हड़बड़ी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, कच्चा अगर अंदर थोड़ा भी ठंडा जैसा रह जाता है, कई बार अंदर फ्राई नहीं होता तो खाने में फिर मजा नहीं आएगा। फ्रेंड्स अब ये बन रहा है, जैसे फ्रेंड्स हमारे घर में तो जैसे काफी हम लोग फूडी है और नॉनवेज के तो काफी शौकीन है, मैं और मेरे पापा तो खासकर बहुत शौकीन है। मम्मी ऐसे एग वगैरह खाती है पर उनको इतना नॉनवेज का मतलब ऐसे इतना ज्यादा क्रेज नहीं जितना मुझे मेरे पापा को है, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा रखते ही है घर पे, जैसे चिकन पैटीज हुआ, जैसे चिकन बर्गर का, जैसे अंदर पैटीज वगैरह हम सब कुछ रखते हैं। एंड बीइंग एन ऑफिस गोअर ऑब्वियसली आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आसानी से सुबह चिकन पैटीज गरम कर लिया, अंदर आपने दो बर्गर बन के अंदर डाल लिया और बस खा लिए और सुबह आपका हो गया। अगर फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है तो प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन है और ये काफी डेलिकेट है तो होने के चांसेस होते ही हैं ऐसे। फ्रेंड्स अभी फ्राई हो चुका है ठीक है, तो अभी इसको जो है हमें बंद कर देना है। और हाँ फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा, ये इसको डीप फ्रीजर में रखना है ठीक है, नॉर्मल फ्रीज में रखेंगे तो खराब होने के चांसेस रहते हैं। हाँ जिस दिन आपको खाना है, आप जैसे हरी में है तो आप उसको नॉर्मल फ्रीज में रख सकते हैं ठीक है, उस दिन के लिए आप रख सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसको तुरंत फ्राई करके खा लें क्योंकि प्रोटीन रहता है ठीक है। और जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होने से इसका मतलब स्पॉइल होने का चांसेस ज्यादा रहता है और खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो बचा था अभी उसको मैं फ्राई कर दे रही हूँ और प्रोसेस तो सेम इसमें भी वही रिपीट होगा। ऊपर मैंने इस हिसाब से इसको डाल दिया है, ये फ्राई होता रहेगा, प्रोसेस ये सेम रिपीटेड है। फ्रेंड्स क्रैब स्टिक्स हमारा बन चुका है, इसको स्वीट चिली सॉस, टोमेटो सॉस या फिर जैसे है मस्टर्ड सॉस, जैसे हम बंगालीज में कासुंदी है बोलते हैं, इसके साथ भी आप खा सकते हैं। कैसा लगा जरूर बताना, और जो नॉनवेज लवर्स है तो उनके लिए नया सा जैसे उनके लिए मैं ये स्टार्टर रेसिपी मैंने दिखाया है रेडी टू ईट वाला, कैसा लगा जरूर बताना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज रेड बटन जरूर से दबाइएगा और बेल बटन जरूर से दबाइएगा सब। थैंक यू एंड हैव अ प्लेजेंट इवनिंग एंड विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस।